नमस्कार दोस्तों, आरएफ डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, इसका हमने शोल्डर, आर्म होल और जितनी इसकी लंबाई रखनी है उस हिसाब से अस्तर और कपड़े दोनों पर इसे कट कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ गले की कटिंग करनी है। तो देखिए, लंबाई हमने इसकी 14 इंच रखी है, तैयार 13 इंच है, तो 1 इंच ज़्यादा रखा है। शोल्डर इसका 5.25 इंच, आर्म होल 6 इंच, गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। गहराई इसकी देखिए 10.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे। तो गहराई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसकी कर सकते हैं। अब देखिए, एक तरह गले का सेप देंगे, साइड से इसे हम सीधा रखेंगे और एक साइड से इस तरह मटकी का सेप दे देंगे। तो दूसरी साइड सीधा वाला निशान बना लेना है। तो देखिए, बाहर की तरफ यहाँ पर 1 इंच 2 पॉइंट इसे बाहर की तरफ इस तरह सेप देते हुए बना लिया है। अब देखिए, अस्तर और कपड़े को अच्छे से मिलाते हुए जहाँ से गले का निशान बनाया है वहीं से सिलाई चला देना है। तो देखिए, गले पर सिलाई लगा दी है, नीचे की तरफ भी लगा देना है। देखिए, गले को कट कर लेना है। तो देखिए, कट करने के बाद गले पर कट लगा देंगे, तो राउंड वाली साइड में पूरे गले पर लगा देना है। तो देखिए, सीधी वाली साइड में नहीं लगाना है। तो अब देखिए, इसे पलट लेंगे, पलट कर गला तैयार करेंगे। तो देखिए, अगर आपके गले पर इस तरह से बनाने पर सफाई नहीं आती है तो आप पिस्टिंग पेपर का यूज कीजिए, तो अच्छे से गले पर सफाई आएगी। तो देखिए, अच्छे से बनाते हुए गले पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए, गले पर सिलाई लगा दी है, गला तैयार हो गया है। अब इस पर डिजाइन बना लेना है। तो अब देखिए, डिजाइन बनाने के लिए इस तरह से कपड़ा लेंगे, ब्लाउज के बॉर्डर से मैच करता हुआ ये कपड़ा लेंगे। तो देखिए, इससे 1 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करनी है, उसी हिसाब से कपड़ा ले लेना है। तो देखिए, इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है, तो 2 पॉइंट सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच चौड़ी तैयार पट्टी होगी। तो देखिए, सिलाई वाला कपड़ा ज़्यादा नहीं रखना है। अब देखिए, इसको पलट लेना है। तो इस तरह देखिए, पलट लिया है। अब देखिए, इसे लगभग 2.5 इंच की कट कर लेना है, 2.5 या 3 इंच के करीब कट कर लेना है। देखिए, 2 इंच का चौकोर कपड़ा ले लेना है। तो देखिए, छोटी सी इससे लटकन बनाना है, तो बहुत ही छोटी सी बनाएंगे, उसी हिसाब से 2 इंच का कपड़ा ले लिया है। अब देखिए, इसको पलट लेना है। इस तरह देखिए, पलटने के बाद नीचे की तरफ से मोड़ देंगे तो छोटी सी लटकन तैयार हो जाएगी। इस तरह देखिए, बन गई है। देखिए, जो ये पट्टी ली है इस पर इस तरह से डिजाइन बनाना है, बिल्कुल बराबर से इस तरह इसको बांध लेना है। धागे को टाइट से खींचना है और 2-3 बार यहाँ पर घुमा देंगे इस तरह से। अब देखिए, धागे को पक्का करके कट कर देना है, इस तरह से दूसरी भी बना लेना है। तो इस तरह देखिए, इसे भी बना लिया है। अब देखिए, जो ये लटकन ली है इस तरह से इसको लगा देना है। तो इस तरह लगाने के बाद एक गोल्डन छोटी सी मोती यहाँ पर लगा देंगे। तो इसी तरह से सारी डिजाइन बना लेनी है। तो इस तरह देखिए, हमने सभी डिजाइनें बना ली हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें 6 डिजाइनें लेनी है, तो 6 हमने बना ली है। तो देखिए, सीधी वाली साइड में इसे सेट करना है, ऊपर से 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए इसे सेट करेंगे। और देखिए, इस तरह से थोड़ा सा गैप देते हुए सेट करना है, इस तरह बिल्कुल सटाकर इसे नहीं रखेंगे।
तो इस तरह देखिए इसे सेट कर दिया है। अब देखिए ब्लाउज के कपड़े से इस तरह सीधी पट्टी बना कर लेना ले लेना है। तो देखिए इसको हमने पलट कर तैयार कर लिया है। अब देखिए इसको इस तरह से लगा देना है दोनों साइड से। तो देखिए इसी तरह दूसरी साइड भी लगा लेना है। तो इस तरह देखिए दूसरी साइड की पट्टी को भी लगा दिया है। अब देखिए राउंड वाली साइड की डिजाइन को बनाना है। तो इस तरह देखिए गले के साइज से बिल्कुल सीधा साइड में इसे ले जाना है। तो वहाँ से देखिए हमने निशान बना दिया है। अब देखिए इस साइड का प्लेट भी बना लेना है। लाइन बनाने से पहले इसका प्लेट बना लेना है। इसके हमने प्लेट बना दिया है। अब देखिए इस साइड डिजाइन बनाने के लिए डोरी लेना है। तो देखिए इसी कपड़े से हमने डोरी बना ली है। लगभग 2.5 इंच की काट कर लेना है। तो इसी तरह बनाकर मैंने सारी डोरियाँ काट कर ली हैं। अब देखिए यहाँ पर साइड में सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ देंगे और उसके बाहर से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 इंच छोड़ दिया है और इस तरह से देखिए डोरी को लगाना है। डोरी को इस तरह से नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा इसे फैलाते हुए लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से इसे सारे गले पर सेट कर देना है। इस तरह देखिए पूरे गले पर इसे लगा दिया है। अब देखिए इसी कपड़े से और भी कपड़े पर पट्टी बनाकर ले लेना है। तो देखिए इसको सिलाई लगाकर पलट कर तैयार कर लेना है, जिस तरह डोरी पलटते हैं। तो देखिए और भी कपड़ा लेना है, राउंड में लगाना है, तो सीधे कपड़े पर ये नहीं बनाना है। अब देखिए इसको इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह देखिए पट्टी को लगा दिया है। तो देखिए गोल्डन मोती लेंगे और पूरे डिजाइन पर एक एक मोती लगा देना है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर डोरी को पकड़ते हुए सिलाई भी लगा देना है और उसके साथ में मोतियाँ भी, तब ये डिजाइन अपनी जगह पर अच्छे से सेट रहेंगी। तो इसी तरह देखिए पूरे डिजाइन पर लगा देना है। तो इस तरह देखिए पूरे डिजाइन पर मोतियां लगा दी है। अब देखिए गले पर डोरियां लगा देंगे। तो इस तरह देखिए डोरियां लगा दी है। अब ये डिजाइन बनके तैयार है। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।